नमस्कार प्रणाम, हम हैं आप सबके अपन मनोज सिंह टाइगर और बतासा चाचा, और आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने फेवरेट शो जिसका नाम है हंसी के रेल कहीं छूट ना जाए में। अरे क्या अकेले अकेले बड़बड़ा रहे हो? सुना आपने, जिधर भी जाओ बीवियों के किस्से सुनने को मिलते हैं। कोई बीवी लाके रो रहा है तो कोई बीवी लाने के लिए रो रहा है, क्या बताए। एक बार क्लास में टीचर ने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ पत्नी को संस्कृत में क्या कहते हैं? बच्चे ने जो कहा सुन के आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। उसने कहा, मास्टर साहब पत्नी को संस्कृत में क्या, किसी भी भाषा में कुछ भी नहीं कह सकती। भगवान, ये टीवी पर क्या देखे क्या ना देखे कुछ समझ नहीं लगता। 15,000 तो चैनल हो गए हैं, एक चैनल को एक एक मिनट भी देखूं तो सारी जिंदगी निकल जाएगी। खेसारी लाल का भी कोई अच्छा गाना नहीं आ रहा है, क्या करूं? चलो थोड़ा पतिदेव को ही डांट लेते हैं, मस्त टाइम पास हो जाएगा। वैसे भी जिंदगी कैसे पति को डांटते डांटते निकल जाती है पता ही नहीं चलता। ए जी। हाँ जी। सुनते हो? हाँ, इतने सालों से तुम्हारी ही तो सुन रहे हैं। क्या बताएं भैया, ऑफिस से लौट के आता हूँ तो लोग पति को पानी पूछते हैं, ये सीधा पानी की बाल्टी पकड़ा देती है, कहती हैं जरा पोछा लगा दो, थक गए हो गए पोछा मार के सो जाओ। आप बताइए। बकवास नहीं ओके, वरना फिर से घुटने पर काट लूंगी। अरे घुटने पर काट लेना ठीक है, काटने के बाद उसकी जगह जो बेलना मारती हो ना वो ठीक नहीं। देखिए बकवास मत कीजिए। अच्छा अच्छा ये बताइए, टीवी पर कुछ अच्छा क्यों नहीं आ रहा? अरे टीवी पे बहुत कुछ अच्छा आ रहा है, बस तुम ही कंफ्यूज रहती हो। अच्छा एक बात बताओ, वैसे टीवी चैनल पर अगर भर्ता बनाने की विधि दिखाई जा रही है और दूसरे चैनल पर न्यूज आ रहा हो तो तुम क्या देखना पसंद करोगी डार्लिंग? क्या देखना चाहिए? सिंपल, न्यूज चैनल, क्योंकि वो भी चिल्ला चिल्ला के अपने कान का भर्ता तो बना ही देते हैं। इन पत्नियों को खुश रखने का एक ही फार्मूला है, अपने बटुए का मुंह खुला रखो और अपना मुंह बंद। हे भगवान, मैंने आप जैसे आदमी से शादी क्यों की? अच्छा अच्छा चलो हाँ, एक काम करो। बताओ। हम इतने सुंदर लग रहे हैं, हमारे लिए एक शेर सुनाओ। अच्छा शेर सुनना है, वेरी गुड, तो सुनो। तुम जो लग रही हो ना इतनी प्यारी, तुम जो लग रही हो इतनी प्यारी, डार्लिंग इस पर लग जाती है हमारी तनख्वाह सारी। आपको तो बस हमारी बुराई करने का बस कोई बहाना चाहिए। नहीं डार्लिंग, बहाने की जरूरत ही नहीं है। क्या? कुछ नहीं। अच्छा सुनो ना। बोलो ना। हमने सपने में देखा कि आप हमारे लिए हीरो का हार लेके आए हैं। अच्छा तो काम करो ना, वो वापस सो जाओ और उसको पहन लो। हे भगवान, मैंने इस आदमी से शादी क्यों की? ये सवाल तो हमारा होना चाहिए था डार्लिंग, जिसके साथ धोखा हुआ। आपको पता, शादी से पहले इसके बाप ने इसका गुलाब जैसा फोटो दिया था, शादी के बाद मैंने इसका घूंघट उठाया तो अंदर से गुलाब जामुन निकला, वही बाप रे बाप जला करा हुआ है। बकवास बंद करो, शादी से पहले आप भी तो चांद जैसे दिखते थे, बाद में क्या पता था कि शादी के 2 साल बाद इनके खुद के सर पे चांद निकल आएगा। किसी पार्टी में नहीं लेके जा सकते आपको। अच्छा। पिछली पार्टी में भी फ्रेंड्स को बोलना पड़ा था कि ये मेरे ससुर है। अगले महीने तक इनका विग आ जाएगा तो ये मेरे पति हो जाएंगे। सिर्फ शादी के दिन ही अब क्यूट लग रहे थे। सच्ची? तब लगाओ शादी का वीडियो। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाए, ये लगा रही है वीडियो और आप देखते रहिए हंसी का रेल छूट न जाए। अरे जल्दी लेके आओ यार शादी का कैसेट, कहाँ ढूंढ रही हो? भारतीय पत्नियां बहुत संस्कार वाली होती हैं, सबके सामने अपने पति को
ए गधे सुनो गधे ना बुलाना पड़े इसलिए शॉर्टकट मारती हैं। ए जी ओ जी सुनो जी करके बुलाती हैं। आइए आप लोगों को दिखाते हैं अपने शादी वाला वीडियो। डार्लिंग तुम्हारे बाबू जी कितने खूबसूरत लग रहे हैं, एकदम शहनाई के माफिक। बेवकूफ वो शहनाई ही है। अच्छा बाबूजी तो उधर भोपू के बगल में खड़े हैं। वैसे चोमू तुम कितना क्यूट लग रहे हो। थैंक यू। वैसे घूमा देवी तुम भी कम हसीन नहीं लग रही हो। सुनो तुम कहीं शादी के बाद गंजे से तो नहीं दिखने लगोगे ना? क्या बात करती, मेरा पूरा खानदान, मेरे दादाजी तक अभी तक गंजे नहीं हुए, मैं कैसे हो जाऊंगा? कभी नहीं। सोच लो वैसे दिखे ना तो आज रिंग डाल रही हूँ, उस दिन रिंग के जगह रस्सा डाल के फांसी लगा दूंगी। बकवास मत करो, रिंग मैं लाया हूँ, उंगली इधर करो मैं रिंग पहनाता हूँ। एक्सक्यूज मी। शुद्ध सोने की है। कितनी क्यूट रिंग है, कितने कैरेट की है? 26 बेबी। झूठ, ये नकली रिंग है। और तुम लोग कम झूठ बोलते हो, तुम्हारे बाप ने क्या बोला था? 2 किलो की जेवरी देंगे, कहाँ दिए हैं बोलो? शर्म नहीं आती आपको दहेज मांगते हुए? आपने उस दिन पढ़ा नहीं था क्या, दुल्हन ही दहेज है। मैंने तो वहाँ ये भी पढ़ा था कि दहेज दानो है, अब सच क्या है वो कोई नहीं जानता। बकवास मत करो, वरमाला डालो। ओके डार्लिंग। कितने सूखे फूल हैं? सूखे फूल हैं? जब एक ही माला फूल से 3-3 शादियां होंगी तो फूल सूखेंगे नहीं। और तुम कहां फूल माला पेट के हुई हो डालें? एक काम करो ना, अपना चेहरा इधर करो, हम बस तुम्हें ही निहारते रहे। वैसे फूल भले ही सूख गए हो डालें, लेकिन हम बिल्कुल तरोताजा हैं। इधर करो चेहरा जरा, इधर करो, इधर करो। सारी जिंदगी तो एक दूसरे का ही मुंह देखना है। हाँ अभी चुपचाप खड़े रहो इधर। अरे तो तुम्हारा इरादा और भी किसी का मुंह देखने का था। जाने डाली आज वादा करो कि पूरे जीवन में तुम कभी भी मुझे परेशान नहीं करोगी। कभी नहीं करूंगी। तुम भी वादा करो कि शादी के बाद तुम किसी और लड़की के तरफ आंख उठा के नहीं देखोगे। नहीं देखूंगा। शादी के बाद तुम मुझे शॉपिंग के लिए अपनी पूरी सैलरी लाके दोगे और खुद जैसे तैसे सड़क पर मांग के गुजारा कर लोगे। क्या बोली तू? मैंने तो कुछ नहीं बोला। लगता है आप आगे का सोच के घबरा रहे हो। वैसे आप वादा कीजिए मुझसे कि काम से लौटकर आप सिर्फ मुझसे बातें कीजिए। मैं बातें करो बेटा मोटे, अभी भी वक्त है, बाहर घोड़ी खड़ी है, निकल लो। ऐसे कैसे भागेंगे आप? तुमको कैसे पता चल गया कि मैं क्या सोच रहा हूँ? अरे हम आपकी वाइफ हो गए हैं, आप क्या खाते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, सब पे बस हमारी नजर है। अच्छा तो काम करो, अभी बताओ मैंने क्या सोचा। चोमू बड़े नॉटी हो आप। चलो ठीक ही सोचा तुमने। चलो चलिए ना आप आगे की रस्म पूरी करते कर लो कर लो कर लो। बस बस रुक जाओ, जो दिन बीत गए हैं वो क्यों याद दिला रही हो? कैसे ना याद दिलाऊं? देख लो तुमने क्या क्या वादे किए थे। हाँ ठीक है, आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हंसी का रेल छूट न जाए। तो आइए देखते हैं कि कैसे हमारी खुशियां शादी के दिन लुट गई। माता जी आपका दिमाग खराब हो गया है, 150 रुपए किलो चावल है और आप इसे फेंके जा रही है। अरे यार आपका मुंह अठन्नी जैसा है, कम से कम बात तो 1 रुपया की कर लीजिए, चावल लुटाना रसम होती है। अच्छा बेटी एक बात बोलूं,
अपने पति को ना कभी सर पे मत चढ़ाना और ना उसका मुंह ना अपने सामने कभी खुलने भी मत देना, ठीक है? Excuse me, ये कैसी माँ है आप? माँ जैसी माँ है, अब तुमको माँ में भी वैरायटी चाहिए क्या? चलो आगे बढ़ो और अपनी माँ को बोल दो कि कलश में चावल भर के रखे, वही गिरा के मुझे घर में एंट्री लेनी होगी। यार ये कैसा रिवाज है, हाँ घर में घुसते ही कुछ गिरा रही है और बोलती है कि आगे सब शुभ होगा। ओ मेरे फ्यूचर, अब तो जो होना था वो हो चुका। सही बोला, अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। तुमने मुझे चिड़िया बोला? डार्लिंग, स्वीटहार्ट, माय बेबी, अब तुम खुद ये सोचो कि तुम्हें मैं खेत कैसे बोल सकता हूँ। खेत कितने हरे भरे होते हैं और तुम कितनी सड़ी हुई हो। इतना ही था तो शादी क्यों की मुझसे? ओ, तुमने कभी सुना है कि मत मारी गई थी? हाँ? बस वही मारी गई थी मेरी। हाँ तो क्या बोल रही थी? फालतू बोलती रहती हो, कितनी घटिया शादी की तुम्हारे बाप ने, हाँ? और तुम्हारा मुंह देख रही हो कितना बारीक था, तब मेरे घर का खाना खा के गोलगप्पे जैसी हो गई हो। फालतू बकवास करते हो आप, खुद का मुंह तो देख लो, पहले कितना क्यूट हुआ करते थे, अब तो ऐसा मुंह हुआ पड़ा है जैसे किसी का दरवाजे में उंगली आने के बाद बनता है। अच्छा, आप लोग जानते हैं मैं दिन भर थका हारा घर पर आता हूँ तो आते मुझे झगड़ा शुरू कर देती है। तो क्या करूँ, ऑफिस आके झगड़ा क्या करूँ? नहीं, थोड़ा मुझे फ्रेश होने में दिया करो कम से कम। हम भी तो दिन भर घर में अकेले रहते हैं, हमें भी तो फ्रेश होना बनता है ना। तो हमसे झगड़ा करके फ्रेश होती हो? हाँ, वेरी गुड, बकवास करती है। शादी के पहले ही दिन तूने क्या किया था, कितने वादे किए थे सब तोड़ दिए तूने। क्या तोड़े? हाँ? अच्छा भैया, बोली आपको कभी तकलीफ नहीं दूंगी, लेकिन चूल्हा बर्तन से लेके कूड़ा करकट सब करवाती है मुझसे भाई साहब। मैं तो बस इतना ही करवा रही हूँ, मेरे सहेलियाँ तो सर से लेके पैर तक सब दबाते हैं। हाँ तो ठीक है, मैं भी तुम्हारा गला दबा देता हूँ, लेकिन सर पैर कभी नहीं दबाऊंगा। आप मेरा गला दबाएंगे? मैं जा रही हूँ अपने मायके, कभी वापस नहीं आऊंगी। झूठ बोल रही है, रोज ऐसे ही बोल के जाती है और शाम को वापस आ जाती है, कुछ ना कुछ शॉपिंग करके आएगी, गोली के पैसे दे दो। वैसे ही जैसे कि हमारा और आपका पसंदीदा प्रोग्राम हंसी का रेल छूट ना जाए। अंग्रेजों भारत छोड़ो, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अबे रम खेलो ना, तो का पता है हम लोग यहाँ कहाँ आए हैं? और तुम लोगों को अंग्रेजों ने अपने साथ कहाँ ले चले गए? पता है किस लिए आए हैं हम यहाँ पे? किस लिए आए हैं यार, किस लिए आए? धरने पे आए हैं, मूली को शकरकंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। सुन तो ले रहा, पहले सुन, पूरा 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 पहले पूरा नारा सुन ले, नहीं कान के नीचे मारेंगे ना, पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं सुनाई देगा। सुनो, मूली को शकरकंद करो, बंद करो, बंद करो, ब्यूटी पार्लर बंद करो, बंद करो, बंद करो, ब्यूटी पार्लर बंद करो, बंद करो। आप लोग मेकअप क्यों बंद कराना चाहते हैं? मेकअप दिख रहे हैं कैमरा में, दिख रहे हैं, क्यों क्यों ना बंद कराएं? हाँ पता है मेकअप की वजह से कितना धोखा मिल रहा है, मंजू से शादी करो और फिर शादी के बाद जैसे मेकअप हटाओ मंजू के अंदर से मनोज निकल रहा है। अब क्या बताएं, हमारी शादी में ना जब सुहाग रात में हमारी बीवी की तो दाढ़ी और मूंछ भी निकल आई थी। भगवान, ये तो खुद है भुक्त भोगी है। इसीलिए मैं कहता हूँ मूली को शकरकंद करो, बंद करो, बंद करो, लड़कियों का मेकअप बंद करो, लड़कियों का मेकअप बंद करो। ठीक, आपका राइमिंग ठीक मैच नहीं कर रहा है। अरे यार हम यहाँ मुशायरा करने बैठे हैं, जो राइमिंग मिलाएंगे। अरे यार हम घर में बैठे हैं समझो भाग्य बाद।
ठीक है, मगर एक बात बताइए कि आप लोग किसी लड़की को मेकअप करने से रोक कैसे सकते हैं? दिख रहा हूँ पूरा ना? हाँ हाँ, इसीलिए तो मैं धरने पे बैठा हूँ ताकि सरकार औरतों के मेकअप के खिलाफ बिल पास कर सके। हैं, मेकअप करते हैं, जो मेकअप करती हैं औरतें ना, उनका चालान कटना चाहिए। हाँ। आप बताइए, घर की पुताई हम साल में एक बार करते हैं, वो भी दिवाली का। हाँ। औरतें मेकअप रोज करती हैं, ये कौन सा न्याय है? हैं भाई साहब, हमारे साथ धोखा हुआ है वो तो ठीक है, हमारे बाबूजी के साथ भी धोखा हुआ है यार। तो मतलब आपकी मम्मी भी मेकअप करती है? नहीं बे, तुमको रिपोर्टर कौन बनाया बे? इधर लो बताते हैं, हमारी शादी में हमारे बाबूजी जिसको रात भर समधन समझकर छेड़ते रहे ना, सुबह समधी निकले। मेरे बाबूजी बात हमारे कान पे भी। ए, क्या बाबूजी के बारे में बताया? अच्छा, एक बात जी छोड़िए, आपकी पत्नी कहाँ है? पत्नी अपने कमरे में बेहोश पड़ी है। क्यों? ही क्या करे, जो पड़ी है पड़ी है। हाँ भैया, मगर क्यों क्यों क्यों? सुबह जल्दी जल्दी चक्कर में शीशे में अपना खुद का मुंह देख ली। उनका लॉकडाउन, इतने लोग कोरोना की वजह से क्वारंटाइन नहीं हुए होंगे जितने उसकी शक्ल देखकर हुए हैं। भगवान का संग, अपने मोहल्ले की पहली औरत है भैया जो अपने घुटने जूड़ा बनाती है। यहाँ हंस सकते हो? अच्छा, यहाँ हंस सकते हो? यहाँ बहुत कमियां निकाल रहे हो, घर पे तो बड़ा बोलते हो, मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरा बच्चा। हा? तुमको शर्म नहीं आती है? सुबह से यहाँ धरने पर बैठे हो और घर पे इतने बर्तन और कपड़े पड़े, कौन धोएगा उसे? चलो चलो घर चलो चलो। अरे मेरी बेबी, अले मेला सोना, अले मेला बच्चा। बाबू, ये आदमी ना मुझसे कुछ न कुछ बुलवाया ही जा रहा है। बोल रहा है मैं अपनी बीबी से तंग आ चुका हूँ, मुझे न्यूज बनवानी है नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ये आदमी क्या भैया, आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या? चले आए हैं मुँह उठा के। हाँ ऐसा है ना, चले जाइए यहाँ से वरना मुक्का मार के ना आपका माइक तोड़ देंगे। चले निकलिए। बाबू, मैं कैसी लग रही हूँ? ऐसी लग रही हो जैसे भोले बाबा गले में नागिन लिपटी हो। क्या? अब कुछ नहीं बेबी, वो तितली देखी हो? कौन वो? अरे वो देखो देखो देखो, तुम देख ही नहीं पा रही हो, वो देखो, ऐसी तितली कभी देखी ही नहीं होगी। नहीं दिख रही है? हम थोड़ा अच्छे से देखो बाबू। अरे भागते कहाँ, रुको तुमको बताते। तो क्या लगता है, क्या ये नागिन अपने शिकार को डस पाएगी? मेरा मतलब है कि क्या ये पति अपनी पत्नी से बच पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए हंसी की रेल, छूट ना जाए। इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो। चालू करो भाई, चालू करो प्रदेश में शराब, चालू करो, चालू करो भाई, चालू करो प्रदेश में शराब, चालू करो। जीने के लिए मेहरारू चाहिए यार, पीने के लिए दारू चाहिए। चालू करो। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है, बहुत ही अजीब और गरीब किस्म का प्रदर्शन चल रहा है। आइए इनसे जानते हैं, आप लोग दारू वापस चालू कराना चाहते हैं, लगता है बहुत बड़े लेवल के शराबी हैं आप। बहुत बड़े शराबी हैं हमारे पापा तो, इतने बड़े शराबी हैं, इतने बड़े शराबी हैं कि तीन पैग क्वार्टर का ऐसे बनाते हैं कि थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं, एकदम साइंटिस्ट जैसे काम करते हैं। कितने बड़े शराबी थे? इतने बड़े शराबी, इधर देख के बोलो। हाँ, देख के बोलना है। हाँ तो भैया, इतने बड़े शराबी थे कि खिचड़ी भी जो है ना बियर से बनाते थे। और बताए, हम अपनी शादी में इतने दारू पी लिया कि तीन फेरे मम्मी के साथ, अब बाकी चार फेरे पंडित जी के साथ लिए। मगर देखिए, आप ये बताइए कि आप लोग शराब क्यों चालू कराना चाहते हैं? अरे भैया, क्यों चालू ना करा? बीस रुपए का शराब के लिए 150 रुपए भाड़ा देना पड़ता है, और उसके ऊपर पुलिस अगर पकड़ ले तो 500 रुपए फाइन भी भरना पड़ता है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं भाई, चालू करो भाई, चालू करो प्रदेश में शराब, चालू करो, चालू करो भाई, चालू करो। देखिए, मगर आपको पता है ना कि शराब पीने से बहुत सारा नुकसान होता है। अरे हमको शराब नहीं पीने से बहुत नुकसान हुआ है। क्यों भाई? वो कैसे? अरे वो ऐसे कि हमको अपने बेटा के लिए इंग्लिश का ट्यूशन लगवाना पड़ा। मतलब समझे नहीं? अरे मतलब ये है कि पहले जब हम शराब पीते थे ना तो इंग्लिश फटाफट, यू गोइंग, कमिंग, आउट गोइंग सब बोलते थे, लेकिन अभी क्या है ना, शराब जो है बंद हो गया है, इसलिए अब इंग्लिश बोल ही नहीं पाते हैं। यू नो ना, इंग्लिश स्पीकिंग सीखिंग बस दो पैग में लिटिल विद। अच्छा, एक बात बताइए कि
मान लीजिए सरकार ने वापस शराब शुरू कर दी, मगर आप फिर पीने लगेंगे तो आपके घर को कौन संभालेगा? बखलोल, घर को कौन संभालेगा? अरे जब लॉकडाउन में शराबियों ने देश की अर्थव्यवस्था संभाल ली तो घर के दीजिए। अरे देखिए, आपको समझना चाहिए कि शराबबंदी से ना सब परिवार वाले खुश हैं। हमारे घर वालों में तो मातम है। वो कैसे? क्योंकि हमारे घर वाले शराब बेचते थे। आपको पता है ना, शराबबंदी के बाद हमारा घर का रेंट भी लग रहा है, क्योंकि पहले शराब पी के हम कहीं भी गिर के पुर के रह लेते थे, लेकिन अभी जो है ना घर का रेंट देना पड़ता है, घर में रहना पड़ता है। क्यों? चलो बेटा, अब तुम चारों निकलो यहाँ से। अरे निकलो यहाँ से, हमारा टाइम हो गया। चारों मतलब हम तो अकेले हैं। लेकिन हमें जो है ना 9 बजे के बाद चार चार लोग दिखाई देते हैं। शुक्र करो कि तुम अभी तक हमें आदमी दिख रहे हो, नहीं तो 9 बजे के बाद ना आदमी हमें औरत दिखती है और हम उसके पप्पी में बैठे। अरे चलो पप्पी तो। दोस्तों, इसके पहले कि ये हमारी पप्पी ले ले, यहाँ से निकल जाने में फायदा है। तब तक आप लोग देखते रहिए, हंसी की रेल छूट ना जाए। प्रधान के मौसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद भाई मुर्दाबाद, प्रधान के मौसी मुर्दाबाद, प्रधान के मौसी काल पर झंडूसी लगा रखा है। प्रधान के मौसी मुर्दाबाद, प्रधान के मौसी मुर्दाबाद। एक बार बताओ, पूछिए तो हमारा मौसी से क्या प्रॉब्लम है? अरे क्या प्रॉब्लम नहीं है भाई, है? चुनाव से पहले वो वोट के लिए हमारे सामने हाथ जोड़े थे, और चुनाव के बाद हम उनके सामने हाथ जोड़े, और वो संपत्ति तो ही बताओ, हम अपना खेत बेच के पूरे गांव को बियर पिला दिए, बीवी का गहना बेचकर तुम लोगों को चुनाव के समय मुर्गा खिलाए, तो सब वसूल नहीं करेंगे क्या? अच्छा, और जब से प्रधान बने हो सबके घर में बिजली के मीटर कहने लगवा दिए? हाँ तो अच्छी बात है ना बच्चों। क्या अच्छी बात है? हे भैया, अपने घर का मीटर दूसरे के घर में लगवा दिए, बिजली इनके घर आती है और मीटर वो लोग भरते हैं, इसीलिए भैया हम तो कहते हैं चेंज करो भाई, चेंज करो। समझ गए हो? ए बचवाए, कितना भी चिल्लाए लो, मिमियाए लो, लेकिन हमारी प्रधानी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस बार गांव में हम देसी मुर्गा के साथ चिल्ड बियर दे रहे हैं, और इस बार ना गांव में 440 वोल्ट की बिजली भी लाए हैं। एक हफ्ते से पूरे गांव में अंधेरा है। सुनो, गांजा फूंक के आए हो क्या? माँ बता रहे, जो 440 वोल्ट की बिजली लाए है ना, अरे पूरा गांव, मोहल्ला, आरा, दरभंगा, सासाराम, बलिया, सिवान सब रोशन कर देगी। अच्छा? हाँ। लेकिन हमें तो दिखे नहीं। अरे अभी दिखाई देते हैं। ये बिजली वाह प्रधान जी, ऐसी बिजली देखकर पूरा बदन में करंट दौड़ पड़ा है, बिना मीटर के ही दिल का तार झनझना पड़ा है। तो क्या आप अभी भी प्रधान जी का विरोध करेंगे? नहीं, प्रधान जी ने बिजली को बुलाकर जो झटका दिया है, अब तो मेरा नारा भी चेंज हो गया है। दुनिया को कहने दो इसी प्रधान को रहने दो, दुनिया को कहने दो इसी प्रधान को रहने दो, दुनिया को कहने दो इसी प्रधान को रहने दो। हे प्रधान जी, एक बात बताइए, आप थोड़ा विकास की भी बात कर लें। अरे जब बिजली आ गई है तो विकास भी आ जाएगा। ठीक है प्रधान जी, है? समझ रहे हैं? आओ बिजली, सुनो चलो तुमको गांव दिखाते हैं और खेत में विकास की बात करेंगे दोनों मिलके। जी हाँ जी, और हम कह रहे थे कि जैसे कि तो कल भी हम आएंगे ढेर सारी मनोरंजन मस्ती और हंसी खुशी के साथ, तब तक आप देखते रहिए हंसी की रेल छूट ना जाए।